नमस्कार। पता नहीं। नमस्कार। थोड़ा सा विलंब हुआ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। आप सबका धन्यवाद, आप लोग इंतजार करते रहे। आज का दिन 21 जून बहुत सारी वजह से बहुत ही विलक्षण है, और इस विलक्षण होने की वजह से मैं ये कह सकता हूं कि कई सारे योग बने हुए हैं आज। तो मैं कोई ज्योतिष नहीं हूं कि मैं योग की बात करूंगा, लेकिन स्पेस की बात करूंगा कि हम जिस स्पेस में जिंदा हैं उसके अंदर आज 21 को सबसे बड़ा दिन है। 13 घंटा और 24 मिनट का पूरा दिन है। हमारे पृथ्वी जो हम पी धुरी पे घूमती है, और आज से वो दक्षिणायन की तरफ अपना रास्ता अख्तियार करेगी। तो स्पेस पृथ्वी और सूर्य के बीच का जो एक रिश्ता है, उसी रिश्ते के बीच में आज संयोग से चंद्रमा भी आ गए हैं। और इस वजह से आज अभी तक थोड़ी देर पहले तक दिल्ली में एक ग्रहण भी चल रहा था। तो एक संयोग से एक ये भी योग है, लेकिन सबसे बड़ा योग आज है जो योग पर्व है। योग पर्व है और उसके साथ संगीत का अंतर्राष्ट्रीय संगीत दिवस है, फादर्स डे है, बहुत सारे चीजें हैं। लेकिन सबको अगर हम देखें तो दो स्पेस के बीच में एक घटना को हमें देखना पड़ेगा, और आर्ट वहीं से शुरू होती है, योग वहीं से शुरू होता है। तो वो योग कहता है कि आत्मा नाम परमात्मा नाम। आत्मा मीन्स एक इंडिविजुअल सोल, और परमात्मा नाम ये बाहरी ब्रह्मांड, इस पृथ्वी के बाहर जो कुछ भी दुनिया दिख रही है, वो वहां पर हम देखते हैं कि उस स्पेस और हमारे बीच में एक तरह से कहना चाहिए और उससे भी ऊपर की ब्रह्मांड की पूरी स्पेस के अंदर अगर देखें तो वो पंच तत्व से बना हुआ है। पंच तत्व सबसे ऊपर स्काई है, उसके बाद विंड है, विंड के बाद फायर है, फायर के बाद में हमारे अर्थ के आसपास वाटर है और अर्थ है। ये जो चारों पांचों चीजें हैं, ये मिलके पृथ्वी पे जीवन का कारण है। हम अगर जीवित हैं तो इनमें से पांच में से अगर एक भी एलिमेंट अगर गायब हो जाता है किसी वजह से, तो शायद हम या हमारी जाति या हमारी जितनी वनस्पति है, संसार है, वो सब नष्ट हो जाएगा। तो नाट्य शास्त्र भी इस पांच चीजों को, पंच तत्वों के बारे में मतलब हमें कहता है। और वो पांच तत्वों को अपने शरीर में हम कैसे देखते हैं, एक क्रिएटर के तौर पर, एक इंसान के तौर पर पहले तो देखता है। वो कहता है वहां पर कि दो चीज है, एक शिव है और एक शक्ति है, दोनों के मिलने से नाट्य शास्त्र की अवधारणा है। शिव मतलब हड्डियां, हमारे शरीर के अंदर 206 हड्डियां हैं। ये 206 हड्डियां जो हैं, ये अलग अलग जॉइंट्स के अंदर हैं। यहां से लगा के, गर्दन से लगा के, तमाम किस्म के हमारे जो पार्ट्स हैं उसके साथ में जुड़ी हुई है। तो हड्डियां हैं और उसके ऊपर मांसपेशियां चढ़ी हुई है। उसके अपने आकार है, अंदर की तरफ यहाँ ब्रेन है, ब्रेन के दो हिस्से हैं, कान है, दो हैं, आंख है, दो है, नाक के छेद दो हैं, टीथ की जो पंक्तियां हैं दो हैं, हमारे शोल्डर दो हैं, एल्बो दो हैं, रिस्ट और फिंगर्स दो हैं, हमारे लंग्स के जो लंग्स हमारी सांस भरने में मदद करते हैं वो दो है, किडनियां दो हैं, दो पैर हैं, दो हाथ हैं, और सब चीज को हमारे शरीर के अंदर दो 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 रूप के अंदर दिए हुए हैं। लेकिन योग कहता है पहले वो दो तो है, लेकिन उस एक का अनुभव करना तो सीखो। वो एक क्या है, ये जानने के लिए नाट्य शास्त्र हमें वो कहता है कि ये हमारा एक अंग है, हमारा पूरा शरीर जो है आंगिक। तो कहते हैं आंगिकम भुवनम यस्य, हम
अपने शरीर को एक इस दुनिया की तरह समझें, इस आकार की तरह समझें, एक विराट रूप में अपने शरीर को अंदर की तरफ भी देखें और बाहर की तरफ भी देखें, क्योंकि हमारा लेना देना है आत्मा नाम परमात्मा नाम। अगर इसके अंदर कोई चीज है तो हम उसको जब आंखों से देखते हैं, कान से सुनते हैं, त्वचा से, स्किन से स्पर्श करते हैं और नाक से स्मेल करते हैं, टंग से उसका रस लेते हैं, तो ये पांच ज्ञानेंद्रियां हमारे अपने अंदर वो पंच तत्व को जिंदा करती है। तो हमारी हड्डियां और मांसपेशियां मूल हैं, लेकिन तीन चीजें हैं जिसको त्रिधा शक्ति पुराने वक्त में कहते थे, आज हम उनको कह सकते हैं कि उसके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। पहली चीज है विंड, जो सांस प्रश्वास की गति निरंतर चल रही है, वो हमारी सांस प्रश्वास हमें जिंदा रखती है, और 21,600 बार ये अनुभव 24 घंटे में हमारा शरीर करता है, तो वो स्वस्थ है। तो हड्डी और मांसपेशियों के बीच में जो दो चीज जाती है, तीन चीजें जाती है, उसमें सबसे पहली है विंड, हवा, हवा का आना जाना। तो यानी कि इसका मतलब हड्डियां और मांसपेशियों के बीच में स्पेस है, वो स्पेस जो है वो हमें क्रिएटिव बनाती है। अगर वो स्पंदन हमारा सही काम करता है, फंक्शन करता है, तो मतलब हम सही तरह से अपनी बात को व्यक्त कर सकते हैं, चाहे वो मुद्राओं में हो, चाहे मतलब के भाषा में हो, उच्चारण में हो, संगीत में हो, और तरह तरह की चीजों के साथ में हमें जब ही स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त कर पाएंगे, जब इसकी भाषा की हमारे पास समझ होगी। तो विंड के बाद में जो हमारे पास में है वो है, जैसे आकाश में वायु है, वायु के बाद है अग्नि। तो अग्नि हमारे अंदर भी है, हर 2-3-4 घंटे के बाद में हमें इस शरीर को कमजोर फील करने लगते हैं, तो हमें कुछ गिजा देना पड़ती है, अगर उसमें फ्यूल नहीं डाला जाएगा तो ये शरीर काम नहीं करेगा। इसलिए ये शरीर का काम करना मूलभूत चीजें हैं। तो वही काम विंड भी करती है, ये शरीर को चलाने में मदद करती है, वही फायर एनर्जी जो हमारे फूड के रूप में हमारे बीच शरीर में जाती है, वो हम 18,000 कैलोरी से लगा के 24,000 कैलोरी हर दिन कंज्यूम करते हैं। इसके बीच में कहीं ना कहीं हम हैं। फिर उसके बाद में अगर देखें कि हमारी सांस हो गई, हमारा अग्नि तत्व हो गया, तो हमें 5-6 घंटे तक हम प्यासे रह सकते हैं, लेकिन उसके बाद में जल तत्व की भी जरूरत है। इस हड्डियों और मांसपेशियों के बीच में जल तत्व भी अगर नहीं मिला तो हम अपने आप को विचलित महसूस करते हैं और अपने बात को कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो ये त्रिधा शक्ति जो है हमारे शरीर को बैलेंस करती है, और इसीलिए हमारे शरीर को देखने की एक दृष्टि हमें नाट्य शास्त्र देता है सबसे पहले, और या उसके भी पहले, मतलब कि हमें देखेंगे हमारे आदिम संस्कारों के अंदर भी इस तरीके के भीम बेट का या तरह तरह की मूर्ति कलाओं के अंदर देखें, भीम बेट का में जो वॉल पे काम किया हुआ है, शेल गुहा पेंटिंग्स, या हम और भी जगह देखेंगे, तो मतलब कि ये सब चीजें हमें देखने समझने को मिलती है। शरीर संरचना विज्ञान को समझे बगैर हम अपने परफॉर्मिंग आर्ट में अपने शरीर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। कान हो गया, शब्द सुनता है, शब्द त्वचा हो गई, स्पर्श का बोध करता है, आंख हो गई, फायर को अनुभूत करता है, जिह्वा हो गई, जल के अंदर अगर यहाँ पे सूख जाए तो हमारी आवाज नहीं निकलेगी, हमारे किसी वजह से हमारा मुंह अगर सूख जाए तो हमारे से कुछ नहीं निकलेगा, हमारी नाक अगर सूख जाए तो कुछ भी नहीं निकलेगा, गंध। तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये पांच जो हैं भारतीय जीवन को या भारतीय कलाओं को या संस्कृति को समझने के लिए मूल तत्व हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये पांच चीजें अगर मतलब कि हमारे अंदर हैं, अनुभूति के रूप में जाती है, तो हम इन्हीं को अंदर अपनी सांस के साथ पेबस करने के बाद में मन के पास ले जाते हैं। सुनता कौन है? दिमाग नहीं सुनता है, सुनने वाला मन होता है। देखता कौन है? देखती आंखें नहीं है, आंखों से अंदर की तरफ एक अनुभूति जाती है, वो है मन।
इससे भी ठंडा जब होगा तो ठंडा ही फील होगा, और इस हिसाब से ठंडा होगा तो ठंडा ही फील होगा। इस हिसाब से अगर हम गर्म हैं तो हाथ को खींचेंगे, और इस हिसाब से भी मतलब वही होगा गर्म। तो ये जो त्वचा है हमारी, जो स्पर्श का बोध करवाती है, तो ये बोध करने वाले तत्व दो जो हैं, लेकिन उसकी अनुभूति करता है मन, वो है एक। इस मन के लिए ही वो स्मेल करते हैं या टेस्ट करते हैं, ये सब चीजें कहीं ना कहीं हमारे उस अनुभव का एक हिस्सा बनती है, जो एक तरह से हमारे परफॉर्मिंग आर्ट में हमें मदद करती है। योग के बारे में कहते हैं कि योग है अनुभव का विज्ञान, एक्सपीरियंशियल साइंस। चीजों को अगर हमने अनुभूत नहीं किया तो इस इंस्ट्रूमेंट का सही इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम अगर परफॉर्मिंग आर्ट में करते हैं तो जो कान का बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल करता है, सुनता है अपनी इस आसपास की ध्वनियों को, रिसीव करता है अपने समाज के अंदर घटने वाली चीजों को, तो वो कविता लिखता है। शब्द के अंदर वो किसी तरह से कविता लिखता है, कहानी लिखता है, या किसी तरीके का और साहित्य लिखता है, जिसको नाट्य भी कह सकते हैं, अब वो यात्रा वृत्तांत भी कह सकते हैं, उपन्यास भी कह सकते हैं, लेकिन वो कान है और हमारी कल्पनाशीलता है मन के माध्यम से। दिल और दिमाग जब मिलके सोचते हैं और सत्यता में सोचते हैं, यथार्थ की जमीन पे सोचते हैं, तो वो जो क्रिएट करते हैं वो साहित्य होता है, वो हम एक्सप्रेस करते हैं। ये पांच ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से और पांच उस एलिमेंट के थ्रू, जिसकी वजह से हम जिंदा हैं। तो पांच एलिमेंट, पांच ज्ञानेंद्रियां जब हमारे अंदर जाती है तो पांच तरीके की अभिव्यक्तियां निकलती है। तो सबसे पहले मैंने बताया साहित्य, दूसरा टच से जो पैदा होती है वो वास्तु शास्त्र कहते हैं जिसको, या कहेंगे कि पेंटिंग, पीछे एक पेंटिंग लगी हुई है, ये 180 डिग्री के अंदर ही हम इसको देख सकते हैं। हमारी जो देखने का दृष्टि है वो 180 डिग्री तक ही सीमित है, लेकिन अगर कोई स्कल्पचर है तो हम उसको 360 डिग्री में घूम के देख सकते हैं। लेकिन अगर कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन आर्ट है, समझ लीजिए लाल किला, तो लाल किला दूर से देखने पे हमें ऐसा लगता है, लेकिन जब हम उसके पास में जाते हैं और जब गेट से निकलते हैं तो बिल्कुल एक छोटी सी जगह से गुजरते हुए निकलते हैं, और जैसे ही उससे निकलते हैं सामने की तरफ हमें ह्यूज बड़ा सा एक दरवाजा नजर आता है, और चारों तरफ बिल्डिंग की और कंस्ट्रक्शन जो है वो नजर आती है। तो मतलब है कि हमें स्पेस का जो सेंस देता है हमारे परफॉर्मेंस को या रचने को, क्या वो डिजाइनर हो तो डिजाइनर भी यही सेंस पैदा करता है अपने कला के अंदर। तो पहली हो गई साहित्य, दूसरी हो गई वास्तुशास्त्र या एक तरह से कला शिल्प विज्ञान, तीसरा हो गया हम जिससे फायर कहते हैं नृत्य। नृत्य के अंदर हम एक्शन, अगर हम उसको कहेंगे एक्शन सबसे पहले समझ ले तो बहुत बढ़िया है। फायर में एक्शन है, लगातार फ्लेम निकलती है, हम उस एक्शन को से मतलब के चीजों को देखते हैं। हमने उसी से जो एक्सप्रेशन के अंदर अपने कलाओं को डेवलप किया, तो विभिन्न किस्म की कलाओं को पैदा किया। शुरुआत में शायद हम जब आदिम थे तो हमने शिकार करना शुरू किया, शिकार को मार के लेके आते थे, हो, उसको आग के आसपास सिकाई करते थे, तरह तरह के मूवमेंट या जो भी हम करते थे वो सामूहिक रूप से एक डांस फॉर्म के अंदर तब्दील हुआ, मार्शल आर्ट फॉर्म के अंदर तब्दील हुआ। तो नृत्य के दो रूप, एक तरह से जिसे कहेंगे नृत्य जो लास्य पे लास्य जनित है, और दूसरा जो है वो तंडव तंडु जनित है। तो इन दो कलाओं का जन्म जो है हमारे एक्सप्रेशन में अगर कहीं आया है तो फायर की वजह से आया। उसके बाद में चौथे पे चलेंगे, चौथा जो आर्ट है फॉर्म है वो है हमारे मुंह के साथ में जुड़ा हुआ, जल के साथ में जुड़ा हुआ। यहाँ आके संगीत है, यहाँ भाषा है, यहाँ उच्चारण है, यहाँ आकार है, प्रकार है, तरह तरह के किस अभिव्यक्ति है। ये शुरुआत में नहीं आई थी, लेकिन आदिम आदमी के पास में सारी की सारी अभिव्यक्तियां थी,
जब वो किसी को युद्ध करने जाता था तो उसमें रौद्र सोनता होता था, मालूम नहीं वो किस तरह से होता था, लेकिन उसकी आंखों में वो चौकन्नापन तब भी रहा होगा। वो भले ही भाषा में उस वक्त में हम शब्द में कम्युनिकेट नहीं कर सकते, लेकिन मूल स्वरूप है, किसी सुंदर चीज को देख के उसके अंदर लालसा की अनुभूति होती होगी, तो होती होगी। चांद को देखना उसके लिए अपना एक, जब पेट भरा हुआ है और चांद को देख रहा है, या बादल का बादल बरस रहे हैं, या रात में तारे दिख रहे हैं, बहुत सारी और ग्रह नक्षत्र नजर आ रहे हैं, तो ये सब जिज्ञासाएं थी जो मनुष्य को के अंदर कल्पनाशीलता को जन्म देने वाली मतलब के प्रवृत्तियां थी। अगर हम देखें तो संगीत के अंदर उस मूड को विभिन्न किस्म के साल भर के मूड जो हैं, और सुबह से लेकर रात तक अलग अलग रागों की रचना हुई है। राग का मतलब ही है अलग अलग ऋतुओं के साथ में मनुष्य ने धीरे धीरे जो संपर्क हुआ उसका, उससे जो अनुभव प्राप्त हुआ उसको एक्सप्रेशन की भाषा के अंदर जब कन्वर्ट किया। और जब मूल्यवान वो इसलिए है क्योंकि उस पे हमने पूरी की पूरी संस्कृति हमारी डिपेंड करती है, सिर्फ भारतीय संस्कृति नहीं पूरी एशिया महाद्वीप के अंदर ये संस्कृति आज भी किसी न किसी रूप में कहीं न कहीं जिंदा है। तो संगीत के अंदर भी तीन चीजें थी, एक तो गायन, दूसरा था क्या, गायन के अलावा वादन, फिर गायन वादन के अलावा वादन में भी बहुत सारी चीजें थी, वहां विंड से बजने वाले इंस्ट्रूमेंट हैं, आज भी हम देखेंगे आदिम लोग जो बजाते हैं वो बांस से बजाने वाले वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, या खाल से बजाने वाले बड़े बड़े नगाड़े जैसे वो चीजें होती है, या बहुत बाद में पहले तो तंत्र जो आंत जानवरों की आंतों से निकली हुई जो चीजें होती थी उससे सारंगी या तरह तरह की चीजें हम देखते हैं, उसकी रचनाएं देखते हैं, और बहुत सारी जगह धातुएं टकरा के कुछ मतलब के साउंड की जाती थी। तो ये इस तरह की, लेकिन इससे एक म्यूजिक की भाषा बनी। भाषा बनने के लिए फिर से हमारे योग के अंदर हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि यही आज का विषय है कि हमारे शरीर के अंदर वाचिक की एक तरह से क्या ज्ञान है और किस तरह से हमारे शरीर के अंदर जीवित है। मैं यहां पर फिर एक बार इस चार्ट की तरफ देखने के लिए आपको कहूंगा, ये खोपड़ी है, रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन, और नीचे की तरफ यहाँ पर एक ये जो है यहाँ पर एक और वो है, ये मनुष्य का शरीर है, इसको कहते हैं गात्र वीणा, शरीर को बोलते हैं इस गात्र वीणा ने हमें बहुत कुछ चीजें अनुभव करवाई, इस शरीर ने बहुत कुछ चीजें अनुभव करवाई। 206 बोन है, अभी हमने उसके पहले देखा था कि 206 हड्डियां हैं, उसमें सब में कोई ना कोई मूवमेंट है, किसी न किसी तरीके की गति है, वो मांसपेशियों की वजह से है, लेकिन उसमें भी सबसे जो प्रमुख हड्डी है जो बैकबोन है, या उसको हम ये कहेंगे रीढ़ की हड्डी, या और इसके कई कई सारे नाम शास्त्रों में और जगह जगह आपको मिलेंगे। रीढ़ की हड्डी है, उसके अंदर 24 जॉइंट है, एक लगता है हमारे गर्दन के साथ यहाँ पीछे, और दूसरा जो जॉइंट है वो जुड़ता है हमारे जहाँ प्लेट्स होती है हमारी, जहाँ रीढ़ की हड्डी खत्म होती है वहां पे प्लेट्स के साथ में जुड़ती है। तो ये दो जॉइंट को छोड़ दें तो एक नीचे है एक ऊपर, बाकी जो रीढ़ की हड्डी में मूवमेंट होते हैं वो 22 जॉइंट हैं। इस 22 जॉइंट के अंदर 7 ऐसी जगह है जहां पे मांसपेशियां अपने आप में एक अलग तरीके से अस्तित्व रखती है, उसको सप्त स्वर विधान की तरह हमने कहा है। सप्त स्वर विधान कोई मतलब कोई पंडितों का विधान नहीं है, इसको सीधे सीधे सरल भाषा में समझना चाहिए, हमारा शरीर जो है वो सप्त स्वर विधान में किस तरह से काम करती है करता है। तो हम देखें कि ये 7 जगह है जहां पर हमारी हड्डियों के बीच में मांसपेशियां अपने आप में गुच्छ की तरह है, संवेदनशील ग्रंथियों की तरह है, वहां पे हड्डियां नहीं है, ये अपने आप में पूरी की पूरी एक
मांसपेशियों के गुच्छे हैं, लेकिन अपने आप में सब अलग हैं। तो सब ये यहाँ से यहाँ तक जब ये निकलती है तो ये है गात्रवीणा, इसका छोटा तुम्बा यहाँ है गर्दन के अंदर, बड़ा तुम्बा यहाँ है पेट के अंदर, और जो पीछे की तरफ जो रीढ़ की हड्डी है वो मतलब के सितार के अंदर बने हुए पर्दे हैं, और इसी से बनी है हमारी शरीर की आकृति को वहाँ एक एक इंस्ट्रूमेंट के अंदर तब्दील किया और उस इंस्ट्रूमेंट को यूज करना शुरू किया, और धीरे धीरे उससे बहुत कुछ साइंस निकला, विज्ञान निकला, जिसको हम ध्वनि विज्ञान कहते हैं। ध्वनि विज्ञान की बेसिक जब मनुष्य के शरीर के अंदर हम अभ्यास करते हैं तो जहां से मलमूत्र त्याग करते हैं उसके बीचों बीच से जो निकलता है वहां से षड्ज, षड्ज उसको इसलिए बोलते हैं कि छह स्वर उसके ऊपर बिल्डिंग है, छह मंजिल की बिल्डिंग है, उसका सबसे आखिरी स्वर जो है उसका नाम है षड्ज, लेकिन उसके बाद में ऋषभ है, गंधार है, मध्यम है, पंचम है, धैवत है, निषाद है, ये बाकी उसके बिल्डिंग के हिस्से हैं, लेकिन ये सब जो जगह है ये सब संवेदनशील ग्रंथियां हैं यहाँ पर। तो हमारी जो पहली वो है यहां से हम अगर देखें तो यहां से निकलता है सा, दूसरी जगह से निकलता है रे, ये नाभि और जो मलमूत्र त्याग करते हैं उसके बीच में, बीच में है सेंटर ऑफ द बॉडी कहलाता है, जिसको हम भी मानते हैं और हमारे वेस्टर्नर्स भी मानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर एक ऊर्जा का क्षेत्र, एक जगह है जहां से पूरे शरीर के अंदर हम जो भी कोई क्रिएटिव काम करते हैं वो ऊर्जा पूरी शरीर के अंदर फैलती है, लेकिन वो जीरो पे रहती है, उसको पकड़ने के लिए, उसको ज्ञान, उसका अनुभव करने के लिए बहुत लंबी तपस्या करनी पड़ती है, लेकिन तपस्या कुछ लोगों को वे नैसर्गिक रूप से मिल जाती है, कुछ लोगों को अभ्यास से इसको मतलब कि अचीव करना पड़ता है। तो साध जो है वो एक जगह है, फिर रे जो है वो सेंटर ऑफ द बॉडी है, ग जो है वो है हमारी नाभि, मा जो है हमारा जो बोन स्ट्रक्चर है इसके बीचों बीच में जो ब्रीदिंग सेंटर कहलाता है इसको मध्यम बोलते हैं, कंठ जो है इसको बोलते हैं प, यहां से प निकलता है, मुंह के अंदर से निकलता है ध, और यहां से निकलती है नी। अब लोग कहेंगे कि लंग्स से आगे तो सांस जाती नहीं है, तो इन सब जगहों का ये हमारे प्रेशर पॉइंट है, यहां से हम प्रेशर लगाते हैं, जैसे कि सा, तो हमारे यहाँ अंदर की तरफ से हम देख रहे हैं कि सा जो है हमारे मलमूत्र के बीचों बीच में जो जगह है, संवेदनशील ग्रंथियां हैं, उसको वाइब्रेट करती है, उसका इलाज करती है। ये कोई वैसा इलाज नहीं है जैसा कि हम योग के आजकल बहुत सारी उछल कूद देख रहे हैं, वो उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये अनुभूति की चीज है। ऋषभ जो है सारे ग नाभि म प, ये सिर्फ प्रेशर पॉइंट है, ध नी सा सा नी ध प म ग रे सा। यहां से शुद्ध आवाज को निकालने के लिए हमें लगातार मेहनत करना पड़ती है, लगातार अपने दोनों कानों को, हमारे टीचर कारल जी का एक जुमला यहाँ पे मैं जरूर इस्तेमाल करूंगा, वो कहते थे बेटा तानसेन बनना मकसद नहीं है, श्रुति को सुनो, अनुभव करो और अपनी आवाज को उसके अंदर मिलाओ। जब हम अपनी श्रुति को सुनते हैं या हमारे आसपास जो कुछ भी हमें स्वर के लिए मिल रहा है और नहीं मिल रहा है, तो पंखे से भी आवाज आती है, आप उससे भी ले सकते हैं, खाली स्पेस में भी एक साउंड है, वहां से अपना षड्ज निकालें और धीरे 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 प्रैक्टिस करें। आजकल तो जो हमारे मोबाइल है इसके ऊपर कई सारे ऐप आ गए हैं जो तानपुरा चलता है, जिसमें कंस्टेंट चलता रहता है, तो हम उसका इस्तेमाल करें, लेकिन अपनी आवाज के अंदर गमक पैदा करने के लिए, तो इसके लिए बहुत सारे सरगम बनाए थे पुराने वक्त के अंदर, सारे गम प ध नि सा, स
नी द प म ग रे सा स रे रे ग म प प ध ध नी नी सा सा नी नी ध ध प प म ग ग रे रे सा 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 रे रे ग ग म म। जितना जल्दी भी जा सकते हैं उससे क्या है कि ये सारी जो मांसपेशियां हैं इनको अलग अलग तरह से अभ्यास मिलता है, उसकी स्टोन क्वालिटी ब्रेक होती है, उसमें गमक पैदा होती है और इस गमक के लिए ही ये संगीत का अभ्यास किया जाता है। और ये हमारे जिस चीज को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है वो है हमारे कंठ स्वर को। ये सब प्रेशर पॉइंट है लेकिन लंग्स के बाद में यहां से जो हम भाषा का उच्चारण करते हैं वो स्पेस ज्यादातर यही है, वो सब प्रेशर पॉइंट है, वहां से प्रेशर को हम लगाते हैं। लेकिन जैसे सेटेलाइट को नीचे से एक प्रेशर दिया जाता है, बूस्ट होता है, उसके बाद में वो अपने आप अपना ट्रेवलिंग करना शुरू करता है। तो ये सब वो जगह है जहां से हम अपने प्रेशर को वो करते हैं और फिर धीरे धीरे भाषा के उस दुनिया के अंदर जब चले जाते हैं वो अपने आप फंक्शन करने लगता है, वो संपूर्ण बॉडी के हर एक पार्ट को अपने साथ में इन्वॉल्व कर लेता है। और ये जो चीजें हैं ये हमें एक शानदार आवाज की तरफ ले जाती है। ये आवाज किसी को तो बनी बनाई मिल जाती है प्रभु की कृपा से या नैसर्गिक रूप से कुछ मतलब वजहों से, लेकिन ज्यादातर 99% लोगों को अपनी आवाज के साथ मेहनत करना पड़ती है। और उस मेहनत करने के लिए नाट्य शास्त्र के अंदर इन सप्त स्वर विधान का बहुत ही लंबा चैप्टर्स हैं, अगर आप पढ़ेंगे तो मतलब के मिलेगा, और नहीं है तो मतलब के अगर आप देखेंगे, मैंने बहुत सारे दुनिया के बड़े ग्रेट मास्टर्स के साथ में काम किया, सर ओलिवियर या मार्लिन ब्रांडो की जो टीचर रही हैं सिसली बेरी, उनके साथ में मैंने पांच बार काम किया कम अज कम, और हर बार मतलब के उनसे वहाँ की टेक्निक किस तरह से काम करती है, वो फॉल्सेटो और तमाम चीजें, उसके म्यूजिक सिस्टम को किस तरह से किया जाता है वो सीखा। लेकिन हमें, हम जिस भूमि में पैदा हुए, जिस सराउंडिंग में रहते हैं, जिस वेदर कंडीशन में रहते हैं, हमें हमारे लिए हमारी आवाज को तैयार करने के लिए यही तरीका सबसे बेस्ट है। दुनिया में इससे बेहतर मतलब कि कोई भी चीज आज तक पैदा नहीं हुई। तो कहने का मतलब है कि हम जब योग पे बात कर रहे थे, योग है इंटरनल साइंस, शरीर के अंदर हम चीजों को खोजें और खोजने के बाद में उसकी एक्यूरेट आकार प्रकार को ढूंढें और उसको लोगों के बीच में कम्युनिकेट करें। ये जब हम करेंगे तो हमें योग को ठीक तरह से समझना पड़ेगा। योग कर्मसु कौशलम, योग हमें हमारे काम को कुशलता के साथ में रिफाइंड करने में मदद करता है। रिफाइंड करने से शायद मतलब समझ रहे होंगे कि हम रोज रियाज करते हैं, हम प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस के थ्रू अपनी बातों को और अपनी अपने जिस्म के अंदर की जो भी अनुभव है उनको इनरिच करते हैं, अपडेट करते हैं, रोज प्रैक्टिस कंस्टेंट प्रैक्टिस करते 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 हम वहां पहुंचते हैं जहां से हम एक संवाद करने लायक दुनिया के अंदर पहुंचते हैं। लेकिन ये संवाद पहुंचाने के लिए हमें योग जो कहता है वो कहता है यम, नियम, तरह तरह के आसन, तरह तरह के प्राणायाम। प्राणायाम का मतलब है, आसन का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि शरीर के हर एक बॉडी को हम तरह तरह से मोल्ड करें। यम नियम समझाने का भी बहुत ज्यादा समय नहीं क्योंकि हमारे पास बहुत कम समय है, इसके अंदर हमें अपनी बात को करना है, लेकिन फिर कभी वक्त मिलेगा तो इसको भी विस्तार से समझाया जा सकता है। तो हम आसन मतलब है कि कल्चरल पोज, आसन दो ही है दुनिया के अंदर, एक है पद्मासन दूसरा है वज्रासन। सारी दुनिया के जितने भी धर्म मजहब हैं वो इसी के अंदर आ जाते हैं। अगर आप देखेंगे या तो वज्रासन में बैठते हैं हम ध्यान की स्थिति में या हम पद्मासन में बैठते हैं। पद्मासन हमें अगर देखें तो वहां से मिल जाता है जहां से हम जिसे कहें कि हड़प्पा कल्चर की जो पहली सील मिली है, एक स्टेम मिली है, वहां भी अगर हम देखें तो हमें एक पोस्चर मिलता है अपने इसके अंदर बैठने का। फिर हम अपनी मूर्तियों में देखें
जैनिज्म आया तो वहां महावीर स्वामी को पद्मासन में देखते हैं, बुद्ध को देखते हैं पद्मासन में, हम अगर अपनी मस्जिद में जाते हैं वहां प्राणायाम के लिए मतलब जो अपने खुदा को मनाने के लिए बैठते हैं तो वज्रासन है, हम बुद्ध मंदिरों में अगर पहाड़ों में जाते हैं तो वहां भी वज्रासन है, वज्रासन के बगैर लगे तो ये दो ही आसन है। लेकिन इस तक पहुंचने के लिए बॉडी को एक बैलेंस करने के लिए बहुत सारे पोस्चर बनाए गए हैं, उसका अब तो अनंत है, लेकिन सहज तरह से जो पाए जा सकते हैं वो 84 पोस्चर के बारे में हमें पातंजल बताते हैं। हम अगर मतलब वहां देखने जाएं, आपको पता होगा कि गौतम बुद्ध ने भी पतंजल योग की शिक्षा ली थी और उसके बाद में उसी से निर्वाण की प्राप्ति की, और उन्होंने जो एक नया धर्म बनाया था, मनुष्य को हमेशा धर्म की जरूरत इसलिए पड़ी कि वो अपने अंदर ईमानदारी से चीजों को एक मनुष्य को मनुष्य की तरह देख पाए, इस समाज के साथ में अहिंसा और वो जो यम नियम के अंदर आते हैं वो सबके साथ में हम देख पाए। लेकिन उसके लिए जरूरत यह है कि हम निरंतर प्रयास करें, तो शरीर से प्रयास कर रहे हैं, हमारी सांस से प्रयास कर रहे हैं, सांस के लिए कपालभाति, लेकिन कपालभाति वैसे नहीं है जो आजकल एक अल्लड़ तरह से मतलब की जाती है, एकदम करे जा रहे जोर जोर से मतलब के नहीं, पहले शुरुआत में हार्ट बीट जो है मूल हमारे, अगर दुनिया में कहीं ताल आई है तो हार्ट से आई है, हार्ट अगर नहीं होता तो ताल नहीं होती, उसको चतुर्थ जाति, त्रयस्थ जाति, खंड जाति, मिश्र जाति और संकीर्ण जाति के अंदर हमें सीखने और जानने को मिलती है। इसके बारे में कभी विस्तार से हम फिर बाद में जाएंगे। तो हमें कुछ अपने सांस के अभ्यास में जिन चीजों को प्रैक्टिस करना चाहिए वो है, सबसे पहले है कपालभाति। कपालभाति है क्लिंजिंग प्रोसेस का हिस्सा है, नेजल कैविटी और लंग्स तक मतलब जितनी भी चीजें हैं उसको साफ करना, तो वो भी किसे हार्ट बीट के अंदर, जब ये बहुत अच्छे अभ्यास हो जाए इसमें डबल स्पीड में जा सकते हैं, हार्ट बीट तो वही चलेगी, और उसके बाद में 3 गुना 4 गुना और इस तरह से धीरे 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 बढ़ाई जा सकती है इसकी स्पीड को। और इसको बढ़ाने के लिए हम 1 मिनट के अंदर, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये देखिए ये एक चक्र है, ये हार्ट का चक्र है, और हम पूरे 1 मिनट में हम अगर चाहें तो 256 वाइब्रेट कर सकते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से जाया जा सकता है। एकदम अगर हम उल्लुओं की तरह शुरू कर देंगे तो मतलब कि ये हम बहुत स्पीड में कभी भी शुरू मत करिए, क्योंकि मामला हार्ट का है, वो शरीर के अंदर उस संवेदनशील जो ग्रंथियां हैं उनको डेवलप करना है, ना कि मतलब कि एनिमल की तरह उसका इस्तेमाल करके खत्म कर देना है, हमें ये सीखना पड़ेगा। योग का मतलब ये कि उछल कूद नहीं है, जैसा कि आजकल हम बहुत ज्यादा देख रहे हैं कि उछल कूद का नाम योग हो गया, योग बहुत गंभीर चीज है। पातंजल ने जो लिखा था वो बहुत गंभीरता से चीजों को विश्लेषण किया, फिर स्वात्मा राम और तमाम किस्म के और जितने भी मतलब के लोग आए उन्होंने जो सिखाया है वो ये है, और वही नाट्य शास्त्र के अंदर बार बार हमें वर्णित किया गया है कि हमें उनको प्रैक्टिस कैसे करना चाहिए। तो कपालभाति हो गई है, अनुलोम विलोम प्राणायाम फिर हार्ट बीट को ठीक करने के लिए है, दोनों नाक है लेकिन कभी एक बंद रहती है खुली रहती है, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, कफ जमा रहता है या बहुत सारी गैस जमा रहती है या पेट में मल जमा रहता है या और भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर तरह तरह से चीजें होती रहती है, लेकिन हमें उसको पवित्र भाव से सबको साफ करना कपालभाति हमें यही सिखाती है। और अनुलोम विलोम प्राणायाम जब उस स्पेस को क्रिएट हो जाता है तो बरोबर बरोबर 2 अलग अलग हिस्सों में हम पहले चंद्र भेदन करते हैं, शुरुआत में 1 2 3 4 5 6 7 8 1 राइट से छोड़ते हैं, लेफ्ट से सांस भरी, अनुलोम विलोम के अंदर पहले लेफ्ट नोज का इस्तेमाल किया जाता है, लेफ्ट इधर वाली मेरी है, आपको मतलब शायद मतलब यही दिख रही होगी, मुझे अपनी उल्टी दिख रही है, लेकिन लेफ्ट साइड से सांस को भरते हैं, धीरे 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 हार्ट बीट को ध्यान रखते हुए 8 में ऊपर गए,
आठ में राइट साइड से निकाल दी, फिर राइट से इनहेल की, धीरे 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 आठ के अंदर, फिर लेफ्ट से निकाल दी। अनुलोम विलोम करना मतलब है कि बरोबर जैसे एक गति के अंदर सांस को लाना और उसमें ठहराव लाना, धीरे धीरे ठहराव आने लगता है और ठहराव लाने की वजह से ये है कि हमारे जो सोचने समझने की और निर्णय लेने की क्षमता है या बहुत सारी किस्म के डिसऑर्डर्स हैं जो हमारे घबराहट के अंदर आ जाते हैं उनसे हमें ये सब चीज़ें मुक्ति देती है। तो इस में कई किस्म की आवाज़ के अंदर डिसऑर्डर्स होते हैं, हस्की आवाज़ होती है या किसी की हाई पिच में आवाज़ होती है, वो अगर उससे बात करो कैसे है भाई साहब तो के अरे है ठीक है और क्या चल रहा है आपका भाई, हम उससे नीचे बात कर रहे हैं लेकिन वो ऊपर जवाब देता है। ये कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब शुरू तो नीचे से करते हैं बात करेंगे कि अरे भाई साहब ये बात तो बहुत ठीक कह रहे हैं लेकिन ऊपर के लोग नोट पकड़ लेते हैं हाई पिच में चले जाते हैं, ये एक तरीके का और डिसऑर्डर है। तो इस तरीके की डिसऑर्डर किसी किसी की आदत होती है कि वो हर एक चीज को दांत में बोलते हैं, बात करते करते हम ऐसे बता रहे थे आपको भाई तुम नाक में चले जाते हैं, उनको पता नहीं है कि किस तरह से मतलब कि ये डिसऑर्डर को ऑर्डर में लाएं। तो इसको लाने के लिए भी स्वर के बाद में है, स्वर विज्ञान के बाद में एक विज्ञान और है, वो है भाषा का विज्ञान, वो है स्वर और व्यंजन, वोवल्स एंड कंसोनेंट। वो अंग्रेजी में भी होते हैं और हिंदी में भी होते हैं और उर्दू में भी होते हैं और किसी और भाषा के अंदर भी होते हैं। स्वर जो होते हैं अ आ इ ई ऊ लिल रि लुल रु ए ऐ ओ औ अं, ये 16 होते थे पहले, अब सिर्फ 13 ही इस्तेमाल करते हैं हिंदी के अंदर, लेकिन लिखने में अभी भी 16 के 16 आते हैं। ये बात ध्यान रखना है कि जो लिखा जाता है वो ही एक्टर या परफॉर्मेंस के अंदर लाता है। तो वो जो 3 लुप्त हो गए हैं उनको फिर से मतलब कि हमारे अपने हिस्सा बनाना है। बगैर किसी अवरोध के जब कंठ से चीजें निकलती है, हमारे वोकल कार्ड है यहाँ आप जानते ही हैं वोकल कार्ड, और वोकल कार्ड से जो बगैर किसी अवरोध के निकलती है अ आ ए ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अं अह, अब इसमें एक ह्रस्व है तो अ और आ दो अलग अलग है लेकिन एक में ह्रस्व है, ह्रस्व मतलब शॉर्ट ब्रीदिंग है, दूसरे में लॉन्ग ब्रीदिंग है, उसको कहते हैं दीर्घ अ आ। इसके अंदर देखिए कितनी स्पेस लगती है, अ में कैसी स्पेस लगती है, अंदर की तरफ क्या अनुभूति होती है अ आ ए ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अं अह। मतलब है कि ये स्वर को हम जब निकालते हैं तो ये ह्रस्व दीर्घ के साथ में हमारे कंठ से बगैर किसी और जगह कोई टकराए हुए किसी और तरह से लगे नहीं वो होते हैं, सीधे कंठ से निकलते हैं और वो कान तक पहुंचते हैं। इनको मधुर बनाना पड़ता है, बहुत अभ्यास से मतलब के बनते हैं। इसलिए हम कोई म्यूजिक का भी तरीका बहुत सारे लोग मतलब इस तरह से आ स्वर के साथ में अगर करें तो आ हुआ, ई हुआ, ऊ हुआ, ए हुआ, ओ हुआ, और जितने भी स्वर हैं उनको मतलब के यहाँ से निकालते वक्त इस कंठ के आसपास की जो ग्लैंड है जो हमेशा इसको विशुद्ध चक्र कहते हैं, पूरे शरीर के अंदर जो कुछ भी विशुद्धि है उसका सबसे ज्यादा असर इस जगह पर होता है, इसलिए इसको कहते हैं विशुद्ध चक्र। विशुद्ध चक्र के को वाइब्रेट करते हैं ध्वनि से और उसका जब इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत ही उसके अच्छे रिजल्ट आते हैं। फिर अगर हम देखें कि और भी चीज़ों को देखें कि हमारे व्यंजन किस तरह से निकलते हैं, तो व्यंजन जो है जिसको हम कॉन्सोनेंट बोलते हैं, क को देखिए कंठ के अलावा वो एक और क ख ग घ क ख ग घ न, जहां से निकल रहा है क वर्ग वहां से च वर्ग नहीं निकल रहा है, च वर्ग कहां से निकल रहा है तालव्य च छ ज झ य
बिल्कुल अलग है, क वर्ग से अलग है, उसका प्रोनाउंसिएशन साइंस अलग है, स्पेस अलग है, इनर स्पेस अलग है। फिर अगर हम उसके बाद में देखें ट वाला, तो इसको कहते हैं मूर्धनि के साथ में टंग को टकराते हैं, ट ठ ड ढ न, बिल्कुल अलग स्पेस है, अलग तरह से स्वर निकलता है। प्रैक्टिस करते करते हम इसको मतलब धीरे धीरे लेके कर सकते हैं। अगर देखे ट वर्ग को देखे तो वो दंत है, ट ठ ड ध न, त थ द ध न। अगर प वाले वर्ग को देखेंगे तो दोनों होंठ से निकलता है, सिर्फ होंठ होंठ का इस्तेमाल है, प फ ब भ म। इसी तरह से य भी है, र भी है, ल भी है, और जब तीन किस्म के अलग अलग स है, तीनों वो उष्मांड स्वर कहलाते हैं। उष्मांड का मतलब थोड़ी सी उष्मा की के अंदर बदलाव होता है। जैसे छह शक्कर वाला है, अब जैसे लिखा जाता है ऊपर की तरफ जो एक वो लगा हुआ है गोल सर्कल, उसके बाद में ऐसे लिखा जाता है, वैसे ही एयर भी वहां घुमाई जाती है। शब्द शब्द ऊपर की तरफ है, शासन शबरी शताब्दी। अगर आप देखेंगे तो वो ऊपर की तरफ ऐसे शब्दों को ढूंढिए, उसके प्रोनाउंसिएशन को आप लगातार प्रैक्टिस करिए। इसे अगर आप इस श को छोड़ देंगे, श शक्कर वाले को छोड़ देंगे, तो दूसरा है षटकोण वाला, जिसके अंदर एक पेट चिरा हुआ है, प बना हुआ है और उसका पेट चिरा हुआ है। जैसा वो पेट चिरा हुआ है वैसे ही एयर भी क्रॉस होती है, धनुष धनुष धनुष। उसके बाद में अगर आप देखेंगे धनुष के बाद में है षडानंद षडानंद, दृश्य दृश्य, जिस तरह से हम बोल उसको मतलब के लिखते हैं ठीक उसी आकृति के अंदर जो हम अंदर से उसको प्रकट करते। तो पहले ये आकृति यहाँ आई थी, बाद में लिखने में आई, अंकन में आई। हम ये ना सोचे कि अंकन पहले आया और हमने मतलब के बाद में ये सीखा, नहीं, हमने पहले पैदा किया था, उसके बाद में अंकन से ये बात पैदा हुई। दृष्टि दृश्य दृष्टि। अगर स जो तीसरे वाला स है, अगर देखेंगे वो बहुत सारे लोगों की श स और श की गड़बड़ियां बहुत लोगों के अंदर होती है, तो सरोता जैसे लिखा हुआ है ऐसे करके उसमें सीधी एक लाइन है तो सीधी सीधी बोलना है, सरोता संसार। फिर सनातन, या इस तरीके की और भी लगे शब्द ले लें, पांच पांच दस दस शब्द रोज ले लें और उसके प्रोनाउंसिएशन को ठीक करें, तो मैं समझता हूं कि इससे मतलब क्या बहुत कुछ आपको देखने समझने और सीखने को मिलेगा। ये हमें लगातार प्रैक्टिस से हमारी क्लासों के अंदर एनएसटी के अंदर इस तरीके की चीजों को अभ्यास किया जाता है। पहले और भी गुरुकुलों में किया जाता था, अभी भी और जो ड्रामा स्कूल होंगे निश्चित रूप से वहां भी इस तरीके की ट्रेनिंग पे मतलब लोग ध्यान देते होंगे। अगर हम देखें कि इसके अलावा हमारे उर्दू के शब्द भी जिंदगी के अंदर बहुत ज्यादा आते हैं, तो उसके अंदर नुक्ते लगते हैं, क के अंदर नुक्ता है, ख के अंदर नुक्ता है, ग के अंदर नुक्ता है, उसके बाद में क ख ग में है ज के नीचे नुक्ता है, फिर आखिर में अगर देखें तो फ के अंदर नुक्ता है। उसके शब्द ढूंढे कि जैसे कि क का मतलब है कबूल, आपको बोलना है तो इसके अंदर नुक्ता लगना चाहिए, तो कुब को ऊपर की तरफ मतलब कि टकराती आवाज, कबूल कुदरत का का काफ बोलते वक्त आपको मतलब कि पता होना चाहिए कि किस जगह किरत टकराना है। फिर अगर हम उसको अलग हटा दें, क्रीम आप बोलते हैं ना क्रीम, तो लोग उसमें क्रीम बोल देते, क्रीम क्रीम, उसके अंदर भी एक नुक्ता है। अगर ख को देखें, खबर, हम रोज टेलीविजन पर सुनते हैं, इतने न्यूज सुनाते वक्त इतने खराब खराब भाषाओं को सुनना पड़ता है कि जिसका जवाब नहीं है, लेकिन वहां पर अगर प्रोनाउंसिएशन का थोड़ा कोई ध्यान रखता है तो हम उस एंकर को जरूर सुनते हैं, उसमें ट्रस्ट करते हैं, और वो ट्रस्ट जो है उसकी मेहनत का नतीजा है, उसकी वजह से हम जुड़े हैं उसके साथ में। फिर अगर देखे ख के बाद में ग, गुबार, गुस्सा, गैबी ताकत, गुस्ल खाना,
ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो हमें लगातार ग के अंदर नुक्ता लगा के करना पड़ते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो जो जहीर, हम बोलते हैं जहीर भाई कैसे हैं, जहीर उसके अंदर नुक्ता है, जमीन नुक्ता है, लेकिन ऐसा नहीं, बहुत सारे लोग बहुत सारे सीधे सीधे लिखा हुआ है उसको अंदर कोई ऐसा नुक्ता लगा देंगे। हमारे एक भाई साहब थे, हम लोगों की हॉस्टल वकील लेन पे थी, तो वो वकील बोलते थे वकील, जबकि वहां नुक्ता है नहीं, वकील लेन। तो कहने का मतलब ये है कि कब किस जगह नुक्ता लगाना है वो उसके लिए भी कॉन्सेंट बनना पड़ेगा, किसी उस्ताद के पास जाना पड़ेगा, भाषा की जो लगे समझ रखता है, और उसके साथ में अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। बाहर की दुनिया में जब आप निकलेंगे या निकलते हैं, तो ये अगर हमारे पास में भाई पाठ हमारा जो है, जो हम बाद में डायलॉग डिलीवरी और तमाम चीजों के साथ प्रकट करते हैं, वहां तक पहुंचने के लिए हमें जरूरत है हमारे प्रोनाउंसिएशन के विज्ञान को समझना, वो अंदर से कैसे निकलता है, कितनी स्पेस देता है, एक्यूरेट कौन से स्पेस के अंदर जाके टकराने से कैसी आवाज होती है, धीरे धीरे उसमें मधुरता कैसी आती है। तो बहुत सारे एक्टरों को हम जब परफॉर्म करते हुए देखते हैं, तो उनके परफॉर्मेंस को जब सुनते हैं तो 5 मिनट के अंदर ही लगता है इनको ये प्ले छोड़ के चले जाए, क्योंकि इतनी कर्कश होती है। वो अगर बुड्ढे का रोल कर रहे हैं, बूढ़ा बना हुआ है, तो वो जबरदस्ती दिखाने लग जाते हैं, जरूरत नहीं है। वो जब ऐसे करने लगते हैं तो हम धीरे से डिटेच होने लगते हैं, भले हमें उसकी समझ न हो कि वो क्या गड़बड़ कर रहा हो, लेकिन हमारा जो डिटेचमेंट है वो निश्चित रूप से होता है, असर उसका होता है हमारे ऊपर। और उस असर के लिए हमें जरूरी यही है कि हम लगातार कोशिश करें कि हम अपनी भाषा, उच्चारण और तमाम चीजों के साथ में प्रैक्टिस करें एक तरह से, और अपने काम को अंजाम दें। जब हमारी वॉइस एंड स्पीच ठीक हो जाए, तो हम किसी एक पोएट्री को ले लें, दो पोएट्री ले लें, चार पोएट्री ले लें, उसके मनोभाव को देखें, उस भाव के साथ में किस तरह शब्द का उच्चारण होना चाहिए, हमें ये देखें किस तरीके के नोट होना चाहिए। बहुत सारे लोग जब किसी चीज से बात करते तो वो बहुत अच्छे बातचीत कर रहे होते हैं, लेकिन स्टेज पे जाते थे वो कुछ ऐसे पिच में बात करने लग जाते हैं जो उनका पिच नहीं है। अचानक वो अरे ऐसे कुछ हो जाता है, उनके साथ में नर्वस हो जाते हैं। किसी किसी की इमोशनल डिसऑर्डर आवाज होती है, ये वो इमोशनल डिसऑर्डर बात करते, किसी किसी आवाज डूब जाती है, पहला शब्द ही डूब जाता है, किसी का आखिरी शब्द डूब जाता है, कोई इतनी तेज बोलता है कि समझ में नहीं आता है कि वो क्या बोलना चाहता है, किसी की आवाज हस्की है तो किसी के अंदर हैमरिंग होती है, पक 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 पक, बहुत सारे बोलने के पहले। लेकिन अगर ये सब चीज हम वॉइस एंड स्पीच के अभ्यास करते हैं, तो ये सारी ट्रेनिंग हमारे लिए हमें सहज बनाने में, हमें सरल बनाने में बहुत मदद करती है, और इस मदद से हमें बहुत कुछ चीजें सीखने समझने को मिलती हैं। मुझे ये देखना है कि अगर किसी का कोई सवाल है, इंफॉर्मेशन, और ये जो चीजें जो मैं बोल रहा हूँ ये वन साइडेड बकवास है, लेकिन क्लास तो ऐसे नहीं होती है, लेकिन ये कोरोना काल के अंदर हम एक दूसरे से इंटरेक्ट भी कर पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और जो ये काम हो रहा है ये सचमुच में बहुत ही दिव्य है, क्योंकि इससे घर बैठे हम बहुत सारे साथियों तक पहुंच पा रहे हैं, बातचीत कर पा रहे हैं। तो इन्फॉर्मेशन और ये कह रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी है, और नमस्ते सर, प्रणाम सर, मैं सबका नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो अगले 2-4 मिनट में उसके ऊपर बात करना ज्यादा पसंद करूंगा, बनिस्बत और चीजों के, क्योंकि अब हमारा समय धीरे धीरे वहां तक पहुंच रहा है जहां से हमें समाप्त कर देना है। तो आप लोगों के साथ में जो भी मेरे अंदर ज्ञान था, अनुभव था, बांटने की कोशिश की, मैं समझता हूं कि एक्टिंग या परफॉर्मिंग आर्ट में, चाहे वो गाने वाले बच्चे हों, चाहे डायलॉग डिलीवरी करने वाले लोग हों, चाहे वो नृत्य में हो, चाहे वो लिखने में हो, चाहे वो डिजाइन के अंदर हो, सबको
योगिक भाषा की समझ, योगिक साइंस की समझ, ये कोई अध्यात्म नहीं है। हम इसको किसी न किसी तरह से समझें, बेहतर टीचर्स के अंडर में जाएं। बार बार में सैकड़ों टीचर्स होंगे इस देश में, लेकिन ढूंढना पड़ते हैं मित्रों। लेकिन जब वो मिल जाते हैं तो हमें सही दिशा का ज्ञान होने लगता है। इस ज्ञान के लिए, क्योंकि ये योग दिवस मना लेने से कुछ नहीं है, हम सचमुच में उसको कितना प्रैक्टिस में लाते हैं ये महत्वपूर्ण है। हाँ, फादर्स डे मनाने के, फादर तक पहुंचने के अंदर भी स्पेस था, उसमें भी आकृतियां थी, पिता और बेटे के बीच में एक स्पेस है। हम जो कुछ भी अभी आज देख रहे हैं वो इस स्पेस और उसके बीच में चांद आ गया है, तो चांद के पीछे चांद सूरज छुप गया है, तो ये एक स्पेस है। हमारी सबसे बड़ा दिन है, हमारा पृथ्वी घूम रही है आज, और घूमते घूमते उस जगह पे आई है जो सबसे बड़ा दिन कहलाता है, 21 जून। तो ये स्पेस है, तो ये सब चीजें जो भी कहीं मतलब के पहुंचा, ये हमें स्पेस से शुरू करके हमारी इंटरनल एक्सपीरियंस तक जोड़ना है। क्योंकि फिर एक बात कहूंगा कि योग कर्म सुकौशलम, वो हमारे ज्ञान को, हमारे नॉलेज को, हमारे रिसोर्स को मांझने के लिए है। उसका एक साइंस है, वो अध्यात्म नहीं है, वो कोई दवाई बेचने के लिए नहीं है, वो ताबीज बेचने के लिए नहीं है, वो सचमुच में एक अंदर एक्सपीरियंस करने के लिए है। और योग के बारे में कहा है एक्सपीरियंशियल साइंस, अनुभव का विज्ञान। मैं आप सब लोगों को प्रणाम करता हूं, क्योंकि समय लगभग हो गया है, एक आध मिनट ऊपर हो गया है, तो मैं आप सब लोगों को 2 मिनट ऊपर हो गए प्रणाम करते हुए, फिर कभी मिलेंगे और फिर से कोई अच्छी सी बातें करेंगे। आज जो संगीत नाटक एकेडमी ने मुझे ये मौका दिया, मैं उनका बहुत आभारी हूँ कि मुझे अपने आप को व्यक्त करने के लिए उन्होंने आज ये मंच मुझे प्रदान किया। आभार, बहुत धन्यवाद सुमन भाई, विजय भाई और तमाम जो भी साथी लोग हैं वहाँ पर, जिन्होंने इस योगदान, एक योग पर्व पर मुझे आमंत्रित किया। धन्यवाद।